गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान की लहर देखने को मिल रही है। लगातार दो दिनों से चल रही मूसला बारिश और लगातार बारिश होती रह रही थी, लेकिन आज चक्रवाती तूफान की हवाएं काफ़ी तेज़ हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि 15.5 किलोमीटर की रफ्तार से ये चक्रवाती तूफान तेज़ी से बढ़ रही है। में NDRS की टीम लगाई गई है, जहां NDRS की टीम की मदद से कई लोगों को बाहर निकाला गया। कई हिस्सों में साफ तौर पे इस मौसम विभाग की जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि लगातार ये चक्रवाती तूफान कल तक रहेगी। ये चक्रवाती तूफान के लगातार बारिश होने के कारण कई जगहों में बाढ़ की स्थिति हो गई है। लगातार लोग अपने घर छोड़कर फ्लाइंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि NDRS की कई टीमें लगाई गई थी, जो NDRS की टीम किस तरह से बचाव कार्य में जुटी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि सड़क के किनारे कई जगहों में गाछ गिर गई है, जिसे NDRS की टीम अपनी मदद से उसे हटाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो ये तूफान चक्रवाती तूफान जो है, ये लगातार 15 किलोमीटर की रफ्तार से ये तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी तक थमने को नाम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये तूफान चक्रवाती तूफान बढ़ रही है, एक बड़ा हादसा होने का एक अटेम्प्ट दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार हमारे साथ मौसम विभाग के बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे सुनते हैं कि उन्होंने इस चक्रवाती तूफान को लेकर क्या कुछ कहे। वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजय इज नाउ सेंटर्ड ओवर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी बट कमिंग क्लोजर टू सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट। Its wind speed at present is 115 to 125 km/h, gusting to 140 km/h. With this wind speed, it will hit the coast between Karachi and Mandvi and close to Jakhau port of Gujarat. This is now located about 70 kilometers away from Jakhau port in Arabian Sea. It is moving with a speed of about 15 km/h. Its Walcrowd region in the right forward sector is entering into the coastal districts, and hence the landfall process has commenced over the coastal districts of Saurashtra and Kutch. Strong winds 60 to 80 km/h are prevailing along and off the Saurashtra and Kutch districts. It will gradually increase. It will become 115 to 125 km/h, gusting to 140 km/h sometimes. Heavy rainfall is continuing. It will continue, and heavy to extremely heavy rainfall is expected. Tidal wave of 2 to 3 meters will inundate the low-lying areas of these districts surrounding Gulf of Kutch. So off to midnight, the landfall process will continue, and hence it is the most dangerous part of the cyclone. So all people should keep quiet and be in safe place. Don't go outside. Keep